हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमटीवी किचन। आज हम बनाएंगे सुपर टेस्टी यम्मी स्वीट रेसिपी नारियल के लड्डू, जिसे आप व्रत में भी खा सकते हैं। एक कढ़ाई ले लेंगे, गैस मैंने अभी ऑफ ही रखी है। एक कप दूध डाल देंगे, एक बड़ा चम्मच मिल्क पाउडर डाल देंगे। इसको दूध में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे ठंडे दूध में ही मिक्स करना है। इसके सारे लम्स रिमूव करने हैं हमने। एक बड़ा चम्मच कंडेंस मिल्क डाल देंगे, इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे दूध में। ये देखिए, अच्छे से मिक्स हो गया है, बिल्कुल भी लम्स नहीं है। अब हम गैस ऑन करेंगे। गैस की फ्लेम मीडियम रखें। अब एक बॉईल आने तक इसे लगातार चलाना है हमें। मिल्क पाउडर नीचे बैठ जाता है, इसलिए हमें लगातार चलाना होगा इसे। ये देखिए, दूध हमारा थिक होना शुरू हो गया है। ये देखिए, दूध में हमारे बॉयल आ चुका है। अब हम इसमें कोकोनट पाउडर ऐड करेंगे। गैस की फ्लेम लो कर दें। अब सारा प्रोसेस लो फ्लेम पे ही होगा। इसको अच्छे से दूध में मिक्स कर लेंगे। इसको जब तक पकाएं जब तक अच्छी खुशबू ना आने लगे और सारा दूध अब्सॉर्ब ना हो जाए। अब मैं इसमें छोटी इलायची का पाउडर ऐड करूंगी, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें एक कप शुगर ऐड करेंगे। शुगर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली ऐड करें। धीरे धीरे शुगर डिसॉल्व हो जाएगी। ये देखिए, शुगर डिसॉल्व हो गई है। इसको 2 से 3 मिनट तक और पकाएंगे। आप इसमें फूड कलर का भी यूज कर सकते हैं, बट मैं इसे ऐसे ही बना रही हूँ। हम इसे लगातार चलाना है जब तक हमारा बैटर थिक ना हो जाए और ये पैन को ना छोड़ दे। ये देखिए, बैटर हमारा थोड़ा थोड़ा थिक हो रहा है। ये बहुत ही टेस्टी रेसिपी रेडी होगी। अब मैं इसमें एक बड़ा चम्मच देसी घी ऐड करूंगी। अब 1 से 2 मिनट तक और भूनेंगे इसे। अगर आपको बैटर अपना पतला लगे, आप थोड़ा सा कोकोनट पाउडर और ऐड कर सकते हैं इसमें, बट मुझे ये ओके लग रहा है। ये देखिए, इसने पैन भी छोड़ दिया है। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे और इसे ठंडा होने देंगे। ये देखिए, बैटर हमारा ठंडा हो चुका है। अब हाथों में थोड़ा सा घी लगा लेंगे। मैंने हाथों में थोड़ा सा देसी घी लगा लिया है। अब हम इसके लड्डू बनाएंगे। ये देखिए ऐसे। अगर बैटर आपके हाथ में चिपके तो आप इसे थोड़ी देर फ्रिज में भी रख सकते हैं, उसके बाद लड्डू बनाएं। ये देखिए, मैं ऐसे सारे लड्डू रेडी कर लूंगी। आप इसे ऐसे भी सर्व कर सकते हैं, बट मैं इसे कोकोनट पाउडर में कवर करूंगी, इससे देखने में और सुंदर लगेंगे। ये देखिए ऐसे ऐसे मैं सारे लड्डू रेडी कर लूंगी। आप इसमें ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर सकते हैं।
ये देखिए मैंने सारे लड्डू रेडी कर लिए हैं। अब ये मेरे पास पिस्ता है कटा हुआ, मैं इससे इसको गार्निश कर दूंगी। अगर आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लग रही हैं तो मुझे कमेंट करें। इट्स रेडी टू ईट। थैंक यू फॉर वॉचिंग एमटीबी किचन।